नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझो जगत में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। दतिया, दतिया जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां नगर के खान साहबों की हवेली स्थित प्राचीन इमाम बाड़ी, बड़े मुन्ना आका अली एवं अलमदारों के इमाम बाड़ी में लखनऊ एवं मुजफ्फरपुर के मौलानाओं ने हुसैन बाबा की याद में 10 दिनों तक सभी इमाम बाड़े ने सुबह शाम मजलिसों का आयोजन किया गया। मंगलवार को सभी इमाम बाड़े से आलम के साथ ताजिया निकाले गए। विवेकानंद चौक पर शिया समुदाय ने जमकर मातम किया। कोई अपने हाथों में ब्लेड लगाकर खुद को लहूलुहान कर रहा था, तो कोई जंजीरों से अपनी ही पीठ पर वार कर रहा था। 1 घंटे से अधिक समय तक चला मातम देखने पूरे शहर एकत्रित हुआ था। इस दौरान मुजफ्फरपुर से आए मौलाना हुसैन साहब ने तकरीर करते हुए बताया कि हुसैन साहब ने करबला के मैदान से हिंदुस्तान को चुना, जहां सारे अनुयायी हिंदुस्तान सर्वस्ती में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वो मुल्क है जहां सभी धर्म के अनुयायी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज हम सबके लिए सम्मान का प्रतीक है। आज हुसैन साहब की याद में जो मातमी जुलूस निकाला जा रहा है, उसकी अगुवाई हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज कर रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धा के साथ शिरकत करेंगे और अपने घरों पर राष्ट्रीय झंडा लहराएंगे। हुसैन हम आपका साथ देते, और यही वजह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर अफवाह के अफराद भी, आप ईसाइयों को देख लीजिए, आप हिंदुइज्म को देख लीजिए, आप अहले सुन्नत ब्रादरान को देख लीजिए, हमारे हिंदू भाई, सुन्नी भाई और क्रिश्चियन, सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसों में शरीक होते हैं, उनका मातम करते हैं, उनका जुलूस उठाते हैं। उसकी वजह यही है कि हुसैन किसी मजहब को बचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। तो जो जो इंसान है वो हुसैन का गम मनाता है, और इसीलिए शायर ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। दतिया में जो माहौल है वो कैसा लगा आपको कि यहाँ सभी धर्म के लोगों को एक साथ महत्व दिया जाता है या समान जगह? दतिया का माहौल बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो सौहार्द के साथ और मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप के साथ आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दुबे जी हैं, वो उन्होंने अपने घर में अज़ाखाना बनाया हुआ है और बड़ी मोहब्बत से इमाम हुसैन सलाम का अदब सजाते हैं और मजलिस बरपा करते हैं और तबर्रुक का अहतमाम करते हैं और बाकायदा मजलिसों में आते हैं। क्योंकि मैं 10 दिन से यहाँ मुस्तकिल मजलिसें पढ़ रहा हूँ, तो मैं उन्हें रोज़ अपनी मजलिस में देखता हूँ, और बाकायदा वो उस पैगाम को जो मजलिसों से दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम, वो उस पैगाम को लेके जाते हैं और अपने समाज के लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाते हैं कि इमाम हुसैन का पैगाम मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम था। मुहर्रम के 10 दिन जो कार्यक्रम चलता है, उन दिनों में सभी धर्म के लोग मजलिस में आते हैं, इमाम बाड़े पर शिरकत करते हैं, तो क्यों आते हैं, ऐसी क्या मान्यता है जिसके पीछे हिंदू मुस्लिम अदर कास्ट के सभी लोग आते हैं? दरअसल है क्या कि हमारे दतिया का तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हम लोग हर मुकाम में बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म वर्ग के, हम लोग सब शामिल होते हैं। दूसरी वजह यह है कि इमाम हुसैन ही तारीख इस्लाम में एक ऐसे तन्हा एक ऐसी शख्सियत है जो सबकी मुरादों को पूरी करते हैं, और अगर किसी के मुकद्दर में भी परवरदिगार ने कोई चीज़ नहीं दी, कोई अच्छी चीज़, मतलब जो हर इंसान ये चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो इमाम हुसैन ही उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी उस दुआ को पूरी करता है और सभी की मुरादें पूरी आती हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने शहादतें दी, तो हम शहीदों को याद करते हैं। इमाम हुसैन ने इस शहादत में इंसानियत को बचाया है, इसलिए हम हमेशा मरते दम तक, कयामत तक उनकी याद मनाते रहेंगे।
खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.